हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिफ्थ चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें से टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसमें उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हमारा मुख्य उत्सर्जन तंत्र आता है किडनी, फिर त्वचा, हमारे रोम छिद्र, ये सभी हमारे उत्सर्जन तंत्र के में भूमिका अदा करते हैं। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यह उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड दूसरा पार्ट है। एंड दोस्तों, यह आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड अंतिम पार्ट है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हो, भी बिल्कुल फ्री में, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर भी बनाए गए हैं, और सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि रुधिर की संरचना का समन्वय किसके द्वारा होता है। तो इसकी संरचना का जो समन्वय होता है, होमियोस्टेसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, गुर्दे की पथरी क्यों होती है, हमारे गुर्दे यानी कि किडनी में पथरी क्यों होती है। इसका कारण है पेल्विस में ऑक्सोलेट क्रिस्टल व अन्य लवणों का जमा होना। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी अवस्था मूत्र में कायकीय के कारण नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है दोस्तों, तो इसमें एल्केप्टोन्यूरिया नहीं होता है। होता कौन है, हीमेटूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, एसिडोसिस। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु में मूत्र अधिक मात्रा में क्यों निकलता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें पसीने द्वारा अधिक जल शरीर से बाहर नहीं निकलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और वही गर्मी के मौसम में ज्यादातर पानी हमारा शरीर से पसीने के रूप में निकल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भूखे व्यक्ति के मूत्र में क्या उत्सर्जी पदार्थ होता है। जैसे जब खाते हैं तो यूरिया मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ होता है। जब भूखे व्यक्ति के मूत्र में क्या उत्सर्जी पदार्थ होता है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है पेशी उत्तक के विखंडन तथा एंडोजीनस उपापचय के समय कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में उत्सर्जी होगा। तो कौन सा पदार्थ होगा, क्रिएटिनिन। नेक्स्ट है ब्रिक के द्रव्य को मूत्र की संज्ञा सर्वप्रथम कहां दी जाती है, तो संग्रह नलिका में, कलेक्टिंग ट्यूब में। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य का ब्रिक किससे बनता है, तो यह मेटानेफ्रॉन से बनता है, नेफ्रॉस से बनता है। नेक्स्ट है रुधिर प्लाज्मा का ग्लोमेरुलस में बोनस कैप्सूल के में निस्यंदन किस कारण होता है। यानी रुधिर प्लाज्मा का जो ग्लोमेरुलस यानी कि जो किडनी का ग्लोमेरुलस प्यालेनुमा आकृति होता है, उसमें अपवाही अभिवाही धमनिका जो है गुच्छेनुमा आकृति बनाती है, उसी में इसका फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, शुद्ध का शुद्धिकरण होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ग्लोमेरुलस में बोवेंस कैप्सूल में निस्यंदन किस कारण से होता है, मतलब किस कारण से रक्त को छाना जाता है, छनता है। जैसे कि दोस्तों, जो हमारा उसमें प्यालेनुमा आकृति बोवेंस कैप्सूल होता है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है जो एक रक्त वाहिनियों का गुच्छा होता है, जाल सा होता है। तो क्या होता है कि हमारे वुमेन्स कैप्सूल यानी किडनी में जो रक्त भेजता है, लेकर जाता है, वह अभिवाही धमनिका होती है यानी एफ्रियंट धमनी, और ये मोटा होती है, और जो छना हुआ रक्त लेकर के जाता है अंगों की तरफ, धमनिका होता है, किडनी से बाहर निकलती है। तो अपवाही धमनिका के जो साइज होता है यानी कि जो व्यास होता है, वो कम होता है। तो जब इधर से ज्यादा रक्त जाता है और उधर से कम रक्त ऊपर जाता है, तो इसके कारण क्या होता है कि ग्लोमेरुलस क्षेत्र में दबाव बढ़ जाता है, यानी कि जो अभिवाही धमनिका होती है उसमें दबाव ज्यादा हो जाता है। तो इसको हम हाइड्रोस्टेटिक दाब कहते हैं। तो इसी दाब के कारण यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी दाब के कारण रक्त जो है वोमेंस कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन यानी कि छाना जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, यानी कि खराब पदार्थ को छानकर निफ्रॉन में चला जाता है, मूत्र नली में, और
अच्छा पदा अच्छा रक्त जो है शुद्ध होकर के जाता है अंगों की तरफ। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक दाब होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखिए, रक्त का जो छानना होता है यानी कि खराब पदार्थों को अलग करना और सही पदार्थ को अंगों तक ले जाना, ये काम करता है किडनी। जबकि रक्त की शुद्धिकरण जो होता है, रक्त ऑक्सीकृत कहाँ होता है, तो फेफड़ों में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। छानने का काम, फिल्ट्रेशन का काम किडनी करता है, ऑक्सीकृत करने का, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का वहां पे काम करता है फेफड़ा। नेक्स्ट दोस्तों, जब एडीएस की मात्रा कम होती है तो मूत्र विसर्जन की दर क्या होती है? एडीएच यानी कि एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, यह पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है। इसका कार्य क्या होता है? यह किडनी में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। तो जब इसकी कमी होगी तो जल का अवशोषण नहीं कर पाएगा और जल मूत्र के साथ बाहर निकलेगा तो मूत्र की मात्रा जो है वो विसर्जन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इसको मूत्र लता रोग भी कहते हैं, ठीक है, डायरोसिस रोग। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य में जल का सर्वाधिक अवशोषण किस भाग में होता है? सर्वाधिक अवशोषण गुर्दे यानी किडनी में होता है। परिनिस्यंदन किस कारण होता है? तो अभी मैं तुरंत बताई हूँ, जो परिनिस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन होता है रक्त का किडनी में, किस कारण से होता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक दबाव के कारण, ठीक है। जैसे दोस्तों, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यूरिया बनता है आपका यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। और नेक्स्ट है, मूत्र का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो 6 होता है, आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह अम्लीय होता है। और रक्त का कितना होता है? 7.45। नेक्स्ट है, क्योंकि रक्त जो है क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, यकृत में यूरिया निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जो यकृत में, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है, कई बार यही क्वेश्चन पूछ जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? यकृत यानी कि लीवर में होता है। एंड यहाँ पे पूछा है कि यकृत में यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, वृक्क की कायिक इकाई क्या है? तो दोस्तों, कायिक यानी कि रचनात्मक इकाई है उसका निफ्रॉन। नेक्स्ट, निफ्रॉन का संबंध किससे है? तो उत्सर्जित तंत्र से है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में कौन सा पदार्थ साधारण अवस्था में ग्लोमेरुलर निस्यंदन में वृक्क नलिका में पूर्णतः पुनर् अवशोषित हो जाता है? तो कौन होता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट दोस्तों, डायबिटीज में मूत्र में विद्यमान होता है, तो डायबिटीज में मूत्र में शर्करा भी साथ में निकलने लगता है, यानी शर्करा विद्यमान होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में कौन से दो पदार्थ आर्निथिन चक्र द्वारा रुधिर से यकृत में निष्कासित किए जाते हैं? तो अमोनिया और CO2, ठीक है। नेक्स्ट है, सोडियम और क्लोराइड आयरन का पुनरावशोषण होता है किसके द्वारा होता है? हेनरे लूप की आरोही शाखा में। नेक्स्ट है, मानवीय वृक्क की कार्यकारी इकाई है, तो फंक्शनल इकाई है वृक्क की, स्ट्रक्चरल फंक्शनल इकाई दोनों है आपका नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में यूरिया उत्सर्जी पदार्थ की तरह उत्पादित होता है कहाँ पे? तो यकृत में। घुमा फिरा के कई प्रकार से इसको क्वेश्चन पूछ सकता है, यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट, हम आर्द्र और ठंडे मौसम में मूत्र क्यों निष्कासित करते हैं? क्यों दोस्तों? अभी मैं जस्ट ही इसके पहले बताई हूँ कि पसीना नहीं आता है ठंडे मौसम में, जिससे वो मूत्र के रूप में ज्यादा निष्कासित होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा संवेदन अति न्यून होना, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्निथिन चक्र में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किस एंजाइम के द्वारा होता है दोस्तों? जैसे कि आर्निथिन चक्र यानी कि जो किडनी यानी लीवर होता है, उसमें आर्निथिन चक्र में अमोनिया का यूरिया में निर्माण होता है, और वो किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो आर्जिनेज एंजाइम के कारण। नेक्स्ट है, निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन किस भाग में होता है? तो दोस्तों, यह ग्लोमेरुलस में, वुमेन सैंपुट के ग्लोमेरुलस में होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्निथिन चक्र होता है कहाँ पे होता है? तो यह यकृत में होता है। नेक्स्ट है, वृक्क द्वारा सर्वाधिक हार्मोन है तो एरिथ्रोपोएटिन। नेक्स्ट दोस्तों, स्किन की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जैसे कि हमारा जो स्किन होता है
मुख्य रूप से दो परत होते हैं, एपिडर्मिस डर्मिस। एपिडर्मिस बाह्य परत होता है और डर्मिस आंतरिक परत होता है। एपिडर्मिस बाह्य परत में कोई भी रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं, ये टूटती फूटती रहती हैं और नया नया बनती रहती है। और जो आंतरिक परत होती है डर्मिस, उसमें रक्त वाहिनियां होती हैं। नेक्स्ट है स्किन की दूसरी वह निचली परत को क्या कहते हैं, तो डर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट है स्किन की कौन सी परत से रक्त वाहिनियां नहीं जुड़ी रहती हैं, तो सबसे बाहरी परत यानी सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस में। नेक्स्ट दोस्तों पसीना किस ग्रंथि से निकलता है, तो दोस्तों त्वचा की आंतरिक परत यानी कि डर्मिस में एडिपोज टिश्यू होता है एंड स्वेट ग्लैंड होता है जिससे पसीने की ग्रंथियां निकलती हैं, तो स्वेट ग्लैंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस अंग को गर्मी का नियंत्रक कहा जाता है, तो ताप का नियंत्रक कहा जाता है हमारे स्किन को यानी त्वचा को, जो पसीने के द्वारा बाहर निकालता है गंदगी को, हमारे शरीर का तापमान को सम बनाए रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए दोस्तों। एंड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को